तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फिश करी। तो पहले फिश को तो हम अच्छे से वॉश करेंगे। इसको आटा लगा के एकदम अच्छे से वॉश करना है। थोड़ा सा इसमें आटा डालेंगे और फिश को अच्छे से मस लेंगे, फिश को वॉश कर देंगे। इसमें अच्छे से देखो, मैंने आटा डाल दी हूँ। अब मैं एकदम अच्छे से इसको मैश करके एकदम अच्छे से क्लीन करके फिर मैं इसको वॉश कर दूंगी। इसको अच्छे से देखो इसके ऊपर देखो, मैं एकदम अच्छे से आटा लगा के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। मैंने इसको दो से तीन बार एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है, एकदम ये क्लीन हो गई है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फिश में अच्छे से आटा लगाना है, फिर इसे फ्राई करना है। अच्छे से आटे में इसको डिप करना है, फिर फ्राई करना है। मैं इसको भी ऑयल में एकदम अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। पहले एकदम ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद सारी फिशेज डाल देना है। इसको एकदम अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तब इसे निकालना है। अभी एकदम अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक लिए हैं और यहाँ पे थोड़ी जिंजर लिए हैं और चार ग्रीन चिली लिए हैं और थोड़ा सा मैंने खोपरा लिया है, गीला खोपरा है, और ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। सो इसमें सबको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। थोड़े से ब्लैक पेपर्स डालेंगे, थोड़े से मस्टर्ड सीड डालेंगे इसके अंदर, अच्छे से सबको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने दो ग्रीन टोमेटो को एकदम अच्छे से कट कर लिया था। ग्रीन आना चाहिए, खट्टा बननी चाहिए थोड़ी सी, तो इसलिए हमेशा ग्रीन टोमेटो ज़्यादा यूज़ करना। जब मैं कढ़ाई रखी हूँ, इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा कड़ी पत्ता डालूँगी और मैं मस्टर्ड सीड डालूँगी। इसमें मसाला एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, एकदम वाइट जैसा। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर अभी कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड डालूँगी। मैं इसके अंदर मसाला ऐड करने जा रही हूँ। मैंने अच्छे से मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। अंदर मैं 1 टेबल स्पून मैं रेड चिली ऐड करूँगी, 1/2 टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। इसमें मिक्स कर दूँगी। फिर इसके अंदर मैं इसको भूजने रख दूँगी और जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसको अच्छे से भूजने देना है। इसमें थोड़ा सा मैं कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दूँगी। फिर मसाले एकदम अच्छे से भुना गया, क्योंकि देखो जो अपना ऑयल है वो एकदम ऊपर आ गया। आप लोग देख सकते हो, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा मतलब तुम्हारा मसाला एकदम अच्छे से भून गया। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद फिश डालेंगे। इसमें मैंने वाटर ऐड कर दी हूँ। आप अपने आपको जितना लगे क्वान्टिटी में वाटर आप अपना डाल सकते हैं। 1 ग्लास में वाटर ऐड किया है। अब इसके अंदर इसको बॉयल होने लग देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसमें फिश ऐड करेंगे। देखो ये हमारा पानी एकदम अच्छे से खोल गया है, अपनी ग्रेवी रेडी है। उसके अंदर हम फिश ऐड करेंगे। मैंने इसमें सारी फिश ऐड कर दी। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने रहने, फिर हमारी फिश करी रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट हो गया, मैं एकदम अच्छे से इसको पका ली हूँ। देखो आप लोग कितनी अच्छी सॉफ्ट एंड स्मूथ दिख रही है, करी भी बहुत अच्छी बनी है। सो मैं अभी गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसको मैं धनिया पत्ते कट कर मैं इसको गार्निश कर देती हूँ। ऐसा धनिया ऊपर से डाल के बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।